इस धरती पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, पर इनमें से एक जानवर ऐसा है जिसकी हरकतें बड़ी ही रोमांचक और हास्यजनक होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ों में बसने वाले इन बंदरों की। और आज हम आपके पास लेकर आए हैं बंदरों के कुछ ऐसे ही क्लिप्स जिनको देख आप हंसी से गुदगुदा उठेंगे। और तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। अपने कुछ कीमती चीजें हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, चाहे वो हमारी कोई प्यारी वस्तु हो या कोई पसंदीदा पकवान जिसका स्वाद आप अकेले ही लेना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ इस कुत्ते के साथ भी था, जो मजे से अपने खाने का आनंद ले रहा था और किसी के साथ इसे नहीं बांटना चाहता था। पर पास में खड़ा ये बंदर भी भूखा था और इस स्वादिष्ट खाना इसे चाहिए था। देखिए जरा किस तरह इसने कुत्ते के मुंह के नीचे से उसका खाना छीन लिया और कुत्ते के विरोध करने पर कुत्ते को भी धूल चटा दी। दोस्तों, बंदर चाहे कितने ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, आखिर हैं तो ये जानवर ही, और इस इंसानी दुनिया में काफी चीजें उनके समझ के परे हैं। उदाहरण के लिए आप इस क्लिप में नजर आने वाले बंदर को ही देख लीजिए। यहाँ कोई शख्स इस बंदर के ऊपर लेजर लाइट चमका रहा है और ये बंदर उस लाइट को बड़े ही गौर से देख रहा है, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब भला इसे कौन समझाए कि ये भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसके हाथ नहीं लगने वाली। दोस्तों, प्राइवेसी तो सबको कभी न कभी चाहिए ही होती है। अब सारी बातें सबको बताने लायक थोड़ी होती हैं। जैसे इस बंदर को ही देख लीजिए, अपने मालिक के कंधे पे हाथ मार के ये उन्हें अपने पास बुलाता है और फिर धीरे से उसके कान में अपना दुख दर्द बताता है कि अरे यार क्या बताऊं, हमें उस बंदरिया की बहुत आती है। तो जवाब में इनके मालिक भी इनसे फुसफुसाता है कि भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, उसकी शादी हो चुकी है, ये देख मेरे पास वीडियो भी आया है। और ऐसा कहते ही अपना फोन इसे थमा देता है। कोई बात नहीं बंदर साहब, आप निराश मत होइए, ऊपर वाले ने आपके लिए भी कोई खास बंदरिया ढूंढ रखी है। दोस्तों, अपने काम में कोई टांग अड़ाए तो काफी गुस्सा और चिढ़ महसूस होती है, ऐसे में गुस्सा आना तो जायज है। तो जब इंसान इस बात पे गुस्सा कर सकते हैं तो बंदर क्यों पीछे रहे। कुछ इसी तरह गुस्सा आया इस बंदर को, जो आराम से यहाँ बैठ अपनी दुनिया में मस्त था कि तभी पीछे से ये छोटा सा डॉग इसे छेड़ देता है। बस फिर बंदर को आया गुस्सा और उसने दे मारा डॉगी को एक। और हमारा ये प्यारा सा डॉग भी कोई कायर नहीं, उसने भी दिखाई ऐसी हिम्मत कि बंदर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। भाई वाह, ये डॉग तो बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका सा है। दोस्तों, पहाड़ों में बसने वाले ये बंदर बड़े ही शरारती होते हैं और कभी कभी ऐसे ऐसे जानवरों से पंगे ले लेते हैं जिनके आगे अच्छे अच्छे लोगों की भी हवा टाइट हो जाती है। अब आप ही सोचिए, भला एक बाघ के सामने आने पर क्या करेंगे। आपका जवाब जो भी हो, कम से कम आप ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे जो ये बंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बाघ को छेड़ रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं। ये बंदर भी अजीब ही है, बाघ जैसे जानवर से डरने के बजाय उनका शिकार बनने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों, बंदरों को पेड़ों पर उछलते कूदते और कई तरह के कारनामे करते तो आप सभी ने देखा ही होगा किस तरह अपनी मजबूत पकड़ की सहायता से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ बड़ी ही आसानी से पहुंच जाते हैं। पर आखिर है तो ये भी एक जीवित पशु और गलतियां सबसे ही होती हैं। ये बंदर भी इस बाल्टी के ऊपर चढ़ के बैठा था और उसी समय इसकी पकड़ कमजोर पड़ती है और ये फिसल कर सीधा इसी ठंडे ठंडे पानी के अंदर गिर पड़ता है। चलिए अच्छा हुआ, अब इसके बाद बंदर की सारी नींद छू मंतर हो गई। अरे बंदर मामा, किधर को चल दिए, अच्छा अच्छा इन्हें तो बड़ी प्यास लगी है और ये यहाँ बैठ के आराम से पानी पीने आए थे। और उसी समय इन महाशय ने सोचा कि क्यों न बंदर मामा के साथ थोड़ी मस्ती की जाए और ये इस टाइगर का मास्क लगा के पहुँच गए हमारे प्यासे बंदर को डराने। और इन्हें देखते ही बंदर वहाँ से दुम दबा के भागता तो है, पर जल्द ही उसे समझ आता है कि ये कोई असली टाइगर नहीं, तो बस वो भी करता है इन पर एक छोटा सा हमला जिससे इस व्यक्ति को कोई चोट तो नहीं आती, पर थोड़ी देर के लिए ये भी घबरा जरूर जाते हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया करके अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को ऐसे ना सताएं। तो दोस्तों, चलिए अब इस अगली क्लिप को देखिए जहां ये बंदर बड़े ही मजे से पतंग उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। कमाल की बात तो यह है कि अब जरा आप हमें ये बताइए कि आखिर इस बंदर ने इतनी अच्छी पतंगबाजी कहां से सीखी। दोस्तों, अब इस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती का एक जीता जागता उदाहरण। देखिए किस तरह ये कुत्ता बंदर के लाख मना करने के बावजूद उसे छेड़ रहा है और यहाँ तक कि बंदर के नीचे उतर के हमला करने पर भी ये बिल्कुल बाज नहीं आता। और
फिर से इस बंदर को परेशान करना शुरू कर देता है। साथियों, बंदर भले ही शरारती हो पर कभी न कभी कोई न कोई जानवर आके इनकी नाक में भी दम कर ही देता है। चलिए, कुत्तों की बात आ ही गई है तो एक नजर इन दो डॉग्स पर भी डाल लीजिए। यहाँ ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉग को खाना खिला रहा है और दूसरा डॉग बड़े ही सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, पर भैया तो इसको खाना ही नहीं दे रहे। कुछ देर ये देखने के बाद इस डॉग को लगा कि अब अगर खाना चाहिए तो इस डॉग को रास्ते से हटाना ही होगा। तो बस फिर क्या, बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने छोटे डॉग का पत्ता साफ कर दिया। दोस्तों, आईने जैसी चीज तो हम सबके घर पर ही होती है और हम लोग रोज ही न जाने इसका इस्तेमाल कितनी बार करते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले हम रेडी होके अपने आप को एक बार तो जरूर निहारते हैं, पर शायद बंदरों के लिए आईना इतनी साधारण चीज नहीं है। देखिए कैसे यहाँ पर आईना देखकर बंदरों का ये झुंड बौखला उठा कि भाई आखिर ये क्या बला है, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि इनके सामने खड़ा ये दूसरा बंदर ये खुद है और इनमें से कुछ तो अपनी ही परछाई पर हमला करने का भी प्रयास करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही नजारा हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है जहाँ बंदरों का ये दूसरा झुंड इस आईने को देख के पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है और इन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई भला ये चीज है क्या। भाई कमाल है, ये दृश्य देख तो मेरी हंसी नहीं रुकी। भाई वाकई में ये बंदर बड़े ही विचित्र जीव होते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी क्लिप के साथ हम आज की वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो अपना मकसद यानी कि आपको हंसाने में सफल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप देख पाए ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।